नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। प्लाज्मा टॉर्च को 1925 में डेवलप किया गया था, लेकिन इसका वेल्डिंग के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1953 में शुरू हुआ, और इसकी इन्वेंशन रॉबर्ट एम गेज ने की थी, जिन्होंने प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को वर्ष 1957 में पेटेंट करवा लिया था। प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस का फ्लो है, तो कह सकते हैं कि जो आयोनाइज्ड गैस है उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके जो प्रिंसिपल है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोलेसेंस हीट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है टंगस्टन अलॉय इलेक्ट्रोड और वाटर कूल्ड नोजल के बीच में, या फिर टंगस्टन अलॉय इलेक्ट्रोड या वर्कपीस के बीच में, जो एक स्पेशल सेटअप से डेवलप होता है। और यह प्रोसेस अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग गैसेस का प्रयोग करती है। एक गैस का प्रयोग आर्क प्लाज्मा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरी गैस का इस्तेमाल आर्क प्लाज्मा को सील्ड करने के लिए करते हैं। इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले है पावर सप्लाई। इसमें डीसी पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं और कांस्टेंट करंट टाइप के साथ, और इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है वो 70 से 80 वोल्ट होती है। ड्यूटी साइकिल 60% होता है, जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के लिए सूटेबल रहता है। इसके कुछ टिपिकल वेल्डिंग पैरामीटर्स भी हैं, जिसमें करंट 100 से 300 एम्पीयर, वोल्टेज 27 से 31 वोल्ट और गैस फ्लो रेट 2 से 40 लीटर प्रति मिनट रहता है। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर और करंट लिमिटिंग रजिस्टर, ये दोनों आर्क इग्निशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लाज्मा टॉर्च, इसमें एक टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती है जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, और एक वाटर कूलिंग सिस्टम होता है जिससे नोजल की जो टिप है उसको बचाया जा सकता है। वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रयोग से वेल्डिंग के दौरान पैदा होने वाली एक्सेसिव हीट से इलेक्ट्रोड को मेल्ट होने से भी बचाया जाता है। उसके बाद है फिक्स्चर, इसका प्रयोग वेल्ड बीड के नीचे की एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस एक इनर्ट गैस है, और शील्डिंग गैस के रूप में आर्गन हीलियम या फिर आर्गन हीलियम का मिक्सचर, आर्गन हाइड्रोजन का मिक्सचर प्रयोग करते हैं, जिसके प्रयोग से आर्क एरिया को एटमॉस्फेयर से सील्ड किया जाता है। ज़्यादातर आर्गन गैस प्रयोग की जाती है क्योंकि यह हैवियर गैस है जो लो फ्लो रेट पर भी बढ़िया सील्डिंग प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को मेनली दो मोड्स के लिए यूज़ करते हैं, एक होता है नॉन ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफर्ड आर्क और दूसरा होता है ट्रांसफर्ड आर्क। तो सबसे पहले अगर हम देखें, वर्किंग सेम रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। यह नॉन ट्रांसफर्ड आर्क है जिसमें जो इलेक्ट्रोड है, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है, वह डीसी पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है, कह सकते हैं कैथोड होती है, और जो नोजल होती है, जो हमारी वाटर कूल्ड नोजल होती है, वह पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, जो एनोड होता है। और इसमें अगर हम बात करें जो नॉन ट्रांसफर्ड आर्क होती है, कि इस टाइप की जो टॉर्च है वह ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के बिल्कुल सिमिलर होती है, सिवाय मनोयूवरेबिलिटी के, क्योंकि वर्कपीस इलेक्ट्रिक सर्किट से आउटसाइड होता है जिसमें प्लाज्मा आर्क की इंटेंस कम होती है। और इस टाइप की जो वेल्डिंग होती है उसमें जो करंट फ्लो करता है वह फ्लो करता है फ्रॉम इलेक्ट्रोड इनसाइड टॉर्च, फिर नोजल और फिर वापस डीसी सोर्स में चला जाता है, और इसका प्रयोग प्लाज्मा स्प्रेइंग के लिए करते हैं। और जो दूसरा मोड होता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का, वो होता है ट्रांसफर्ड आर्क, जिसमें टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड है वो डीसी पावर सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, कैथोड की बनता है, और जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है, जो एनोड का कार्य करती है। तो
तो इस प्रोसेस की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो मैन्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होती है, जो आर्क की मैन्यूरेबिलिटी है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होती है, और इसमें ज़्यादा इंटेंस मिलती है प्लाज्मा आर्क की। अगर इसमें करंट फ्लो की बात करें, जो करंट फ्लो करता है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, वेल्डिंग टॉर्च के इनसाइड से, फिर इस ओरिफिस से होता हुआ वर्क पीस और बैक टू द पावर सप्लाई, और इसका प्रयोग मेटल्स की वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो इसकी दो मोड्स होते हैं, और इसकी जो कॉमन जो वर्किंग वो इस प्रकार से रहती है कि सबसे पहले जो प्लाज्मा टॉर्च है, ये पूरा जो सेटअप है एक प्लाज्मा टॉर्च है, इसमें जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है जो नॉन कंज्यूमेबल होती है, जो एक कॉपर से निर्मित नोजल में फिक्स होती है, क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के, जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस है इनके बीच में आर्क क्रिएट करते हैं, जैसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। उसके बाद जो आर्क या फ्लेम को मटेरियल या वर्क पीस पर ट्रांसफ़र करते हैं जिसे वेल्ड करना है, प्लाज्मा आर्क कंस्ट्रिक्ट हो जाती है जब एक नैरो स्पेस से पास करती है वाटर कूल्ड, क्योंकि ये जो येलो कलर में हमें दिख रहा है यहाँ कूलिंग वाटर की सप्लाई की जाती है। जो वाटर कूल्ड कॉपर नोजल की टिप के थ्रू इसे पास करते हैं, और उसके बाद फिर जो अलग से आउटर नोजल है, आउटर नोजल और इनर नोजल के बीच से जो शील्डिंग गैस है वो फ्लो करती है, जो प्लाज्मा को कवर करती है। और इस नैरो पैसेज से में जब स्मॉल ओपनिंग फोर्स, जो जो नैरो पैसेज है यहाँ पर, जो ओरिफिस है यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग फोर्स कार्य करता है, जो प्लाज्मा गैस को कंस्ट्रिक्टेड ओरिफिस के थ्रू ट्रैवल करने के लिए मदद करता है। और जो आयनाइज्ड गैस है, जो प्लाज्मा है, वह जो स्मॉल एरिया होता है वर्क पीस पर वहाँ हीट कंसंट्रेट करता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा आर्क में जो टेम्परेचर है 55,000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन वेल्डिंग के लिए प्लाज्मा आर्क का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक रिस्ट्रिक्ट होता है। और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा है एक आयोनाइज्ड गैस का फ्लो है, और इसे प्राप्त करने के लिए गैस को हाई टेम्परेचर आर्क के थ्रू पास करते हैं, जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स पहले एटम में, फिर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में विभाजित हो जाते हैं, और इस प्रकार ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस में प्लाज्मा फ्लो करता है। लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के केस में सारी की सारी गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर लिया जाता है हाई टेम्परेचर आर्क के नैरो पैसेज के थ्रू गुजार कर, और इसके बाद जैसे ही हाई टेम्परेचर आर्क वर्क पीस को स्ट्राइक करती है तो ये जो प्लाज्मा के आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीयूनाइट हो जाते हैं और फिर एटम में कन्वर्ट होते हैं, और इसके बाद मॉलिक्यूलर गैस में, और इसके बाद हीट को रिलीज करते हैं जिसका प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। और कोई भी गैस जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड या कॉपर नोजल टिप को अटैक ना करे उसे प्लाज्मा वेल्डिंग में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इनर्ट गैस आर्गन हीलियम या फिर आर्गन हीलियम का मिक्सचर या आर्गन हाइड्रोजन का मिक्सचर। अब बात करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, कंस्ट्रिक्टेड ओपनिंग या फिर ओरिफिस, जिससे स्मॉल एरिया पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हीट मिलती है, मोर स्टेबल है क्योंकि बेस मेटल से आर्क डिफ्लेक्ट नहीं होती, इसमें डीपर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, हाई वेल्डिंग स्पीड है, लेस डिस्टोर्शन होता है बेस मेटल का, मोर कंट्रोल, स्मॉल वेल्डिंग एरिया पर ज़्यादा कंट्रोल नियंत्रित रहता है। उसके बाद है डिसएडवांटेज, इसमें जो ओरिफिस रिप्लेसमेंट है उसकी काफ़ी ज़रूरत रहती है, कुछ समय के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है, एक्सपेंसिव वेल्डिंग प्रोसेस है क्योंकि जो इसके जो इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी महंगे हैं, इसमें ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो नोज़ल यहाँ पर इसमें लगा होता है जो इनर नोज़ल है जो कॉपर से बनी होती है, उस नोज़ल को वो मेल्ट हो जाता है कई बार, जिसे फिर जल्दी जल्दी बदलना भी पड़ता है, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट और इन्फ्रा रेड रेडिएशन
प्रोड्यूस होती हैं जिससे ऑपरेटर की स्किन को नुकसान पहुंचता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस के लिए स्पेशल डिज़ाइन क्लोथ्स ही पहने जाते हैं। इसमें दूसरा है कि जो नॉइस लेवल है काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 100 डेसिबल के, और एक ह्यूमन है जो वह उसकी जो सेफ़ लिमिट है सुनने की वो 80 डेसिबल की होती है। इसके बावजूद इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसका जो प्रयोग है एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, प्रसीजन इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील एंड टाइटेनियम ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग, बट वेल्ड ऑफ वाल ट्यूब्स, स्मॉल कंपोनेंट्स की वेल्डिंग में, मेडिकल सेटअप और थिन इलेक्ट्रोडिक चिप में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की इन्वेंशन किसने की थी, इसका प्रिंसिपल क्या है, इक्विपमेंट्स क्या क्या प्रयोग करते हैं, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N Universe 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।